मैं सेफान स्वागत करता हूँ अपने इस YouTube चैनल सेफान किचन में। तो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं 100 केजी मटन देहाती। एक बिल्कुल इजी रेसिपी है और आसानी से आप अपने इसे घर पे बना सकते हैं। तो वीडियो के आखिरी तक हमारे साथ बने रहिएगा और देखिएगा कैसे बनता है मटन देहाती। दोस्तों अगर जो आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों अगर जो आपको कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर जो कोई सजेशन देना है तो भी आप कमेंट करें और लाइक करें। थैंक यू दोस्तों। आज हम बना रहे हैं 100 केजी ऑफ मटन देहाती, यानी कि 100 किलो मटन देहाती। तो मटन देहाती बनाने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं सरसों का तेल और उसमें हम डालते हैं ढेर सारा गरम मसाला। गरम मसाला आपको पता ही होगा। उसके बाद अब बारी आती है इसमें ऐड करने की पाउडर मसाले की। तो पाउडर मसाले में सबसे पहले हमने लिया मिर्च पाउडर मसाला, उसके बाद हमने लिया जीरा मसाला, उसके बाद हमने लिया हल्दी मसाला, उसके बाद अभी डाला हमने आपका कश्मीरी मिर्च जो कि मसाला है, उसके बाद हमने डाला फिर से इसमें गरम मसाला और इसको अच्छी तरीके से हम मिलाते हैं। इतने सारे मसाले डालने के बाद इसको हम अच्छी तरीके से मिलाते हैं। फिर बारी आती है इसमें ऐड करने की जिंजर गार्लिक का पेस्ट, जो कि हम जिंजर गार्लिक को अच्छी तरीके से काट के धो के और उसका ग्राइंडर में हमने पेस्ट निकाल लिया है। तो अब बारी आती है उसको ऐड करने की। जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड हो गया, फिर हम इसको अच्छी तरीके से इसमें मिलाते हैं। मटन का जो मेन स्वाद आता है वो जिंजर गार्लिक से ही आता है और सरसों तेल से आता है। तो दोस्तों इसको हम अच्छी तरीके से मिलाते हैं। मिलाने के बाद अब बारी आती है ऐड करने की मीट मसाला। तो मीट मसाला ऐड कर देते हैं। ये जो देहाती है, देहाती का सिस्टम है कि सारे मसाले जितने मसाले होते हैं सब एक साथ ही इसमें ऐड होता है। उसके बाद ऊपर से हम इसमें इसी मसाले में हम भूनते हैं प्याज को और मटन को, दोनों को साथ ही, और तब पकाते हैं। देख रहे हैं जैसे कि मसाला भून चुका था, फिर हमने हल्का सा पानी डाल के इसको अच्छी तरीके से हम भूनेंगे। उसके बाद हम डालते हैं इसमें, जैसे कि आप देख रहे हैं एक गोल मिर्च का पेस्ट है। पेस्ट क्या, इसको हल्का सा तोड़ दिया गया है ताकि ये दांत तर लगे तो अच्छा लगता है। उसके बाद हम इसमें डालते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का अलग ही टेस्ट आता है दोस्तों। किसी भी खाने में आप कसूरी मेथी डालिए तो उसका टेस्ट इन्हेंस हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है। उसके बाद हम डालें इसमें ढेर सारा प्याज। जैसा कि आपको पता है कि आज हम बना रहे हैं 100 केजी ऑफ मटन देहाती, तो उसमें जाता है ढेर सारा ऑनियन। उसके बाद अब बारी आती है इसमें ऐड करने की मटन का। तो मटन को हमने पहले से धो के अच्छी तरीके से रख लिया था, उसको हम ऐड करते हैं। मटन ऐड हो चुका है, अब हम इसको अच्छी तरीके से मिलाएंगे मसालों के साथ और पकने के लिए छोड़ देंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मटन भी काफ़ी अच्छा पीसेज है, एकदम फ्रेश मटन है। अभी हम लोगों ने मार्केट से लाया है, इसको अपने सामने ही इसको कट करके, वो हम तो नहीं दिखा सकते यूट्यूब पे क्योंकि वो हमारे यूट्यूब गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ऐड हो चुका है और इसको अच्छी तरीके से मिलाया जा रहा है। इसको हम स्लोली टेम्परेचर पर, मटन देहाती को हम क्या करते हैं स्लोली टेम्परेचर पर पकाते हैं। ये तकरीबन आपका 2 से 3 घंटे तक ये पकने वाला है मटन देहाती हमारा, क्योंकि क्वान्टिटी भी इसका ज़्यादा है और ये मटन है। तो मटन ऐसे भी थोड़ा टाइम लगता है, ओपन में जब पकाते हैं हम इसको तो टाइम लगता ही है। तो दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं आप, ये हाफ डन हो चुका है। आप देख पा रहे होंगे इसको अच्छे से, देखिए हड्डी अब छोड़ने लगा है, हाफ डन हो चुका है। देखिए कितना अच्छा, मतलब ये प्याज भी है जो ऑलमोस्ट 50-60% गल चुका है, और आप देख रहे हैं पानी भी छोड़ चुका है मटन। अब इसी के पानी में हम इसको, हम ऊपर से पानी ऐड नहीं करते। देहाती में एक चीज़ याद रखिएगा, ऊपर से पानी आपको ज़रा सा भी ऐड नहीं करना है मटन डालने के बाद, क्योंकि मटन अपना खुद का पानी छोड़ता है। जैसे कि देखिए एरोमा मैं महसूस कर सकता हूँ, कितना अच्छा एरोमा अभी इसका आ रहा है, मैं महसूस कर सकता हूँ। देखिए मटन ऑलमोस्ट हमारा पक चुका है, अब बस केवल रोगन छोड़ने की देरी है। तो दोस्तों अगर जो आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हर एक अपडेट इस चैनल से रिलेटेड मिलता रहे। तो दोस्तों ऑलरेडी हमारा मटन देहाती अब रेडी हो चुका है। अब ये जाएगा, देख रहे हैं आप कितना अच्छा रोगन भी अब आ रहा है, अब ऑलमोस्ट ये रेडी हो चुका है। हड्डी भी आप देख रहे हैं अलग हो चुका है। तो हम इसको ज़्यादा अब चलाते हैं नहीं, अब इसको हम चलिए करते हैं सर्व। तो इसको हम एक फूड पैन में निकालेंगे और इसको सर्व करेंगे। तो देखिए ऑलरेडी मटन देहाती का क्या एरोमा आ रहा है, मैं आप महसूस कर सकता हूँ, कलर भी आप देख सकते हैं
कितना अच्छा टेक्सचर इसका दिख रहा है। देखिए दोस्तों मटन दिया था। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर।